हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किस्त के क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। 4 वर्ष में 5% की दर से 6450 की राशि को वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है तो प्रत्येक किस्त कितने का होगा साधारण ब्याज में। देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है P into 100 by 100T + RT into T-1/2। तो वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं दोस्तों। अब देखिए, P का मान यहाँ दिया हुआ है 6450 इंटू 100 by 100 इंटू T कितना है 4 वर्ष प्लस आर कितना है 5% इंटू टी कितना है 4, और ये हो गया T4-1/2 कर दिए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 100 × 6450 / 400 + ये कितना आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3, इसमें 3 बच जाएगा, 5 × 2 = 10 और 30, 5 × 2 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इसका 100 × 6450 / 400, ये 30 हो जाएगा, 430। देखिए, ये से ये कट गया, ये 43 से ये 15 से कट जाएगा। तो वार्षिक किस्त कितना आ गया दोस्तों, 1500। वार्षिक किस्त 1500। और इसका एक और तरीका देखिए, जब आपको फार्मूला ये नहीं याद रहे तब भी आप बना सकते हैं। एक और तरीका है इसका, देखिए, मान लीजिए कि वार्षिक मतलब ब्याज 100 है, पहले वर्ष का ब्याज 100 है, तो दूसरे फर्स्ट वर्ष का 100 है, दूसरे वर्ष का हो जाएगा 105 क्योंकि 5% है, और तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 110, और चौथे वर्ष का कितना हो जाएगा 115। सबका जोड़ दीजिए 430, ये 430 आएगा, 430 = कितना हो जाएगा 430% आया 6450। 1% = कितना होगा 6450 / 430। 6450 इसको काटेंगे कितना आएगा, इसका आ जाएगा 15। 1% बराबर कितना, 1% हो गया 15। तो यहाँ 100% निकालना है क्योंकि यहाँ 100 माने हैं ब्याज, 100% निकालना है, तो यहाँ भी आ जाएगा 1500। तो आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं।